रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का वो त्यौहार जिसका हर भाई बहन को बेसब्री से इंतजार होता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस का असर है इस त्यौहार पर। हालांकि भाई बहन कहां अपने इस खास दिन को खास बनाने से पीछे रह पाते, दूर रहकर भी करीब रहने और रक्षाबंधन के त्यौहार को खूबसूरत बनाने का तरीका भाई बहनों ने ढूंढ लिया है। इस बार पूरे देश में वर्चुअल राखी मनाई जा रही है। भोपाल से मुंबई तक दूरी कैसे भाई बहनों को नजदीक लेकर आई, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता कोमल शर्मा ने। प्यार तकरार और खट्टी मीठी नोकझोंक से भरा होता है भाई बहन का रिश्ता, और आज रक्षाबंधन है। हालांकि इस रक्षाबंधन में कोरोना का साया है, पूरे देश में भाई बहन दूर हैं और कोरोना ने उन्हें थोड़ा और दूर कर दिया, लेकिन भाई बहन इस दिन को मनाने से कैसे पीछे रह सकते क्योंकि पूरे साल उन्हें इस दिन का इंतजार होता है। इसलिए इस बार पूरे देश में वर्चुअल राखी मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि रक्षाबंधन है, राखी जो भाई की कलाई में बांधी जाती है उनकी सुरक्षा के लिए, आपको टीका नजर आ रहा होगा, आरती उतारने के लिए यहाँ आपको आरती भी दिख रही होगी, और चॉकलेट्स हैं जो मुंह मीठा कराने के, लेकिन उसके साथ साथ वर्चुअल राखी में इस बार सबसे अहम जो चीज़ है वो जरिया है वो है लैपटॉप या मोबाइल, क्योंकि इस बार फेस टाइम, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग, जूम के जरिए भाई बहन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और करीब, दूर होने के बाद भी करीब हैं। आईना हमारे साथ है। आईना, इस बार की राखी थोड़ी सी डिफरेंट है, दूर हैं और इस बार पास जाने का कोई मौका भी नहीं है, कैसे मना रहे हैं आप? जी, मेरा ब्रदर जो मुझसे छोटा है वो बॉम्बे में है और मैं भोपाल में हूँ, सो हम लोगों ने सोचा कि इस बार वर्चुअली जैसे बाकी सारी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं वैसे राखी भी सेलिब्रेट करेंगे, और राखी भिजवा दी है, बस यहाँ से हम लोग बातचीत कर लेंगे, टीका वगैरह कर लेंगे। जी, आयुष, राखी मिल गई? राखी मिल गई मुझे, एज यूजुअल काफी ब्लैंड राखी है, एंड द बेस्ट पार्ट इसका वर्चुअल राखी का है कि मुझे देखो अभी पैसे नहीं देने पड़ेंगे तो मैं टाल सकता हूँ, प्रॉब्ली बर्थडे के साथ मैं तुझे गिफ्ट दे दूँ शायद, मेन वर्ड है यहाँ पे, बट हाँ राखी मिल गई है। दो ऐसे शायद फर्स्ट टाइम ही हो रहा है कि यू नो अपन साथ में नहीं है तो टाई कैसे करूंगा वो भी मैंने सोचा नहीं है अभी, बट हाँ डेफिनेटली कुछ तो मैनेज कर ही लेंगे अपन। गिफ्ट वाउचर भिजवा सकता है तो ये तो जो पता है इमीडिएटली ईमेल पे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बस ऐसे मैं टीका लगा दूंगी आयुष को, जो उसको लगवाने का बिल्कुल वैसे भी अदरवाइज शौक नहीं है, उसको टीका लगवाना बिल्कुल पसंद है, सॉरी बाल बिल्कुल टीका उसको लगवाना पसंद नहीं आता है, उसको राखी पहनना भी पसंद नहीं है तो बहुत मुश्किल से उसको राखी पहनानी पड़ती है, और ये यहाँ पे मैं तेरी राखी ये वाली रख रही हूँ इधर ही, ये अपना गिफ्ट समझ लेना तू, और ये चॉकलेट मैं तेरी तरफ से खा लेती हूँ। देखो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आरती उतारी जा रही है, भाई सामने भले ही ना हो लेकिन भाई दिख रहा है, भाई वीडियो कॉल पे है, और आईना आयुष की आरती उतार रही है, राखी आप देख सकते हैं लैपटॉप पे है, हालांकि आयुष को ये राखी मिल चुकी है पर भले ही दूर हैं, भले ही बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन इस रिस्ट्रिक्शंस के बीच भी भाई बहनों ने एक दूसरे के करीब आने का जो तरीका है वो ढूंढ लिया। आयुष कैसा लग रहा है इतने पहली बार इतनी दूर रह के आप ऐसे राखी मना रहे हैं, एक दूसरे से वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं? काफी मिक्स्ड फीलिंग्स है बिकॉज यूजुअली राखी एवरी ईयर साथ ही बनती है, इस बार थोड़े से अपार्ट है तो फिर जैसे मैंने बताया पैर नहीं छूने पड़ेंगे, गिफ्ट नहीं देना पड़ेगा, फालतू की फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, तो वो सब बहुत अच्छा है, बट हाँ फैमिली से अवेयर रहना स्पेशली कोरोना के टाइम्स में थोड़ा डिफिकल्ट तो है, सो हाँ घर की याद भी बिल्कुल आती है। बिल्कुल, आप हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं और कभी भाई बहनों के पास या बहन भाई के पास चले जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना है, सुरक्षा जरूरी है बहन की भी और भाई की भी, कितनी डिफरेंट और मिक्स्ड फीलिंग है अंदर रक्षाबंधन? मैं कह सकती हूँ कि डेफिनेटली क्योंकि बहुत दूर होने की वजह से हम लोग हर साल प्लान नहीं करते कि हम लोग राखी वाले दिन होंगे, लेकिन ये आइडिया कभी भी नहीं आया था जो कोविड ने आइडिया दिया है कि आप जूम मीटिंग प्लान कर लें, सो ये एक बहुत अच्छा आइडिया इस बार, मतलब कोविड ने सिखाया हमें कि आप कहीं भी हो आप मिल सकते हो वर्चुअली। बिल्कुल, तो वर्चुअली आप कितने भी दूर हो लेकिन आप वर्चुअली करीब आ सकते हो, और इसीलिए ये जो वीडियो कॉलिंग है फिर वो व्हाट्सएप के ज़रिए हो, जूम के ज़रिए हो या फिर फेस टाइम के ज़रिए, इस बार घर घर इसी तरह से जो रक्षाबंधन है वो मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष खरे के साथ कुमार।